हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुबिला माइंड। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 3। मैथ्स की वर्कशीट है क्लास 8 के लिए इंग्लिश मीडियम। टॉपिक है नेगेटिव रैशनल नंबर। अब तक हम लोग जान चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम पी बाय क्यू में ले सकते हैं, जिसमें कि क्यू 0 नहीं होता। जिन बच्चों ने अभी भी नहीं जाना है वो हमारी पिछली वर्कशीट को देख सकते हैं हमारे वीडियोज के माध्यम से। आज हम नेगेटिव रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे। चलिए कुछ स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर नेगेटिव रैशनल नंबर उसके माध्यम से जानेंगे। ईशा विड्रॉ, ईशा ने 1500 रुपए बैंक से विड्रॉ यानी निकाल लिए यानी बैंक से उसके पैसे कम हो गए। कम होने को मैथमेटिकल फॉर्म में बोलेंगे -1500। ठीक वैसे ही पेट्रोलियम रिजर्व्स आर 120 × 3/4 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। जो पेट्रोल रिजर्व है वो सी लेवल से इतना कम है, बिलो है, बिलो मतलब डाउन है। डाउन के लिए नेगेटिव लगा इस सिंबल में भी। ठीक वैसे दीक्षा के पास जो 1/4 रुपीज जितने रुपए थे उसका 1/4 रुपीज जो है, ठीक है, जो भी है उसकी जेब में, वो फेल इनटू ड्रेन नाली में गिर गए। तो यानी उसके पास कम हो गए ना, तो कम को हम मैथमेटिकल फॉर्म में -1/4 लिखेंगे। ठीक वैसे लिखेंगे माय मोटर बार की स्पार, मतलब मेरी बाइक या गाड़ी 2 फ्लोर नीचे बिलो पार्क हुई है शॉपिंग मॉल। तो नीचे का मतलब नेगेटिव, डाउन, ये सभी डाउन चल रहे हैं ना। लद्दाख का टेम्परेचर 0 से 16 डिग्री लेस है, यानी 0 से कम, इसको कैसे लिखेंगे -16। तो ये सारे नेगेटिव रैशनल नंबर के एग्जाम्पल है जिनको मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाया गया है। तो ऊपर के एग्जाम्पल में हमने ये जाना कि रैशनल नंबर होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो रैशनल नंबर जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है उसे जीरो कहते हैं। ठीक है, 0 वो रैशनल नंबर है, ना तो वो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बताइए कि -26 बड़ा है या -7। इसको हम किसी सिचुएशन से जोड़ देते हैं। सिचुएशन 1 ये है कि चिंटू ने 26 रुपए लॉस कर दिए, लॉस किसने किया, और पिंटू ने 7 रुपए का लॉस किया। ठीक है, लॉस दोनों को हुआ है, लेकिन ये बताओ कि किसको कम लॉस हुआ, पिंटू को कि चिंटू को। ऑफकोर्स पिंटू को कम लॉस हुआ है, तो उसकी ज्यादा बेटर कंडीशन है। दैट मीन्स कि जो -7 का लॉस कम है -26 से, तो -7 इज ग्रेटर देन -26। ठीक है, एक सिचुएशन और देख लेते हैं कि नेगेटिव न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी है तो वो सेम नंबर होगा। जैसे -5/7 है, तो आप इसको 5/-7 भी लिख सकते हैं एज इट इज सेम, या -बीचों बीच लिख दीजिए, तो दिस इज कॉल्ड सेम। अब कंपैरिजन करते हैं। इस क्वेश्चन में सिंबल लगाना है ग्रेटर इक्वल और लेस का। तो बताइए -2/3 और 2/-3 सेम है क्या? यस, पहला सवाल देखते हैं। -2/3 अगर मुझे ऊपर नीचे -1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा -± 2/-3, है ना, सेम आ जाएगा ना इसकी तरह, यानी दोनों बराबर है। ठीक है, सवाल नंबर 2 में देखिए न्यूमरेटर सेम है, 0/100, 0/10, 10/100 कौन सा बड़ा होगा इनमें से? तो नेचुरल है 10 इज ग्रेटर देन 0, 0 से 10 बड़ा है, ठीक है, 0 छोटा है। -1 और -2 दोनों में, -2 और -1 में कौन सा बड़ा हो गया? नेचुरल है -1 बड़ा है, तो इसकी तरफ आएगा। ठीक है, वैसे भी देखिए -1 यहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा, अगर नंबर लाइन में देखें जो राइट साइड में जाता है संख्या वो बड़ी होती है। -56 और 2 में कौन सा बड़ा है? ऑफ कोर्स पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर। अब ये पांचवा क्वेश्चन पहले की तरह हो गया, दोनों बराबर ही आएंगे। छठे में देखिए न्यूमरेटर सेम है, 27 इज ग्रेटर देन 6, सो 27/7 इज आल्सो ग्रेटर देन 6/7। हियर देखिए 21/8 भी बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? 21 3 से बड़ा है, आपको इस पे ध्यान देना। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये बड़ा है, तो ये भी बड़ा हो जाएगा। 25/4, 3/4 कौन सा बड़ा है? नेचुरल है 25/4। आपको
होमवर्क देते हैं, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि 32/7 एंड 30/7 कौन सा सिंबल आएगा इनमें से। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल।